हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएस ट्रेडिंग टेक चैनल में मैं दिलीप सुथार आज सबका बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ गाइस, है ना, आज जो ना दिल की बात करेंगे हम लोग कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना कोई भी मान लो कि ट्रेड ले रहे हैं और उस ट्रेड में अभी कितना लॉस होने वाला है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, अपनी कितना इच्छा है और कितना होना चाहिए था, कितना नहीं होना चाहिए था। यानी कि इन सिंपल सेंटेंस मान लो कि ना मैंने कोई भी एक ट्रेड लिया और ट्रेड में मुझे नहीं पता कि मुझे कितना परसेंटेज या लॉस मैं बेयर कर सकता था और या फिर कितना हो गया। तो अगर इस चीज़ को अगर है ना मान लो मेरा ध्यान नहीं है, मैंने कुछ करने गया और अचानक मैं मार्केट अप एंड डाउन कुछ भी मूवमेंट हुई और भाई दिमाग में प्रेशर्स आ गया, तो ये प्रेशर्स को कैसे कम किया जाए। ओके, तो इस प्रेशर्स को आज हम लोग है ना पूरे दिमाग को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे से दिमाग को सोचने के लिए हम लोग ये चीज़ करेंगे। मैं आपके साथ जो भी आइडिया जो भी ना यहाँ पे जो शेयर करने वाला हूँ कि हम लोगों को बहुत सारे मन में जो क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम लोग तैयारी करते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास के अंदर ये चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा सीखने मिलेगी कि हम लोगों को ना करना क्या है, एग्जैक्टली हमें क्या करना है, कैसे मार्केट के अंदर हम लोग अपना मूवमेंट दिखाएंगे, कहाँ हमारे बेटर रहेगा, क्या हम लोग चीज ऐसी करें जिसमें हमारा भाई पैसा जाना कम होगा और आना बहुत ज्यादा होगा, तो हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो फिर रेडी हो कि अपने पैसे को बहुत बड़ा बनाने के लिए, गाइस रेडी हो जाओ। फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएस ट्रेडिंग टेक चैनल में आज हमारी ना थर्ड क्लास है। तो फिर आपको जिस तरह से आप ना दिख रहा है कि भाई आज हमने थर्ड क्लास की ओपनिंग कर ली है एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा जो दो क्लास रही, हम बहुत अच्छे से डिस्कशन किए। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, ओके, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को ना क्या करना है, हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या हमें स्टॉक ट्रेडिंग करना है। ओके, इसके साथ में हम लोग है ना और भी बहुत सारे, मैंने जैसे आपके सामने अब क्वेश्चन सब है ना रिवील कर रहा हूँ जो मैंने आपको क्लियर नहीं किया था कि हम लोग को स्टॉप लॉस क्या यूज करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाए, हम लोग कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए, किस प्राइस पर बाय करें सेल करें, और हम बाय करें या सेल करें कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा होगा, पहला सेल करना पहला बाय करना, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, सारी चीजें हम लोग बात करने वाली, और कितनी फंड की रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग के लिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम लोग है ना सबसे पहले इस ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं और ब्लैंक पेज के ऊपर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग कि हमको क्या करना चाहिए। देखो, जो लोग अगर अभी मार्केट में, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया या फिर जो लोग अभी ट्रेड सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग ना ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर चुके हो, ओके, तो या फिर अगर ना लॉस भी करके अगर बैठे हो तो कोई बात नहीं, इट ओके। तो अगर मान लो कि अगर जो फर्स्ट टाइम अभी जो नए नए ट्रेडर है उनके लिए मेरे पास ऑप्शन होगा स्टॉक ट्रेडिंग कि आप जो भी करोगे वो क्या करोगे, आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे। तो स्टॉक ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन है हम लोग को हरदम में ना ट्रेड करने के लिए। तो फिर अभी हम लोग इसके लिए ये थोड़ा अच्छा कलर दिखता है, ठीक है। तो फिर है ना अभी हम लोग है ना स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ये दोनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि क्या, इन द सिंपल सेंटेंस में अगर आपको मैं कहूँ स्टॉक्स, जैसे आपको ये वर्ड में दिख रहा होगा, ओके, अब ये स्टॉक्स में क्या है कि किसी भी कंपनी के शेयर समझ लो, ओके, मतलब कौन सी कंपनी के शेयर है, ओके, किस किस कंपनी के हम लोग स्टॉक्स लेने वाले, किस किस कंपनी के, या फिर है ना ये समझ लो कि कंपनी के नाम देख लो भाई कि क्या क्या कंपनी के नाम है। अब कंपनी के नाम जैसे कि इसके अंदर आती है HDFC बैंक, या फिर है ना मान लो इंफोसिस हो गया, या फिर हमारे पास है ना ICICI बैंक हो गई, और हमारे पास कमेंट लिखो आपके पास है ना और कौन कौन से बैंक है, तो वो फटाफट है ना बैंक भी लिख सकते हो, अच्छी अच्छी जो भी है ना मतलब मिड कैप लार्ज कैप कंपनियां होगी उसके अंदर अभी ना ट्रेड करना होगा। मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा कि मिड कैप लार्ज कैप ये सारी क्या है। फिर एक और हम लोग एक अच्छा सा कोई TCS ले लेते हैं। तो हमारे पास ये तीन इंडस्ट्री अलग अलग हो गई कि हम लोग ने IT भी ले लिया, इंफोसिस भी ले लिया एंड हमने एक रिलायंस ले लिया जो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी। तो हम लोग यहाँ पर अब ये जो आपने जो नाम सुना है, ओके, तो फिर है ना जो लोगों ने नाम नहीं सुना तो उन लोगों के लिए मैं मारुति सुजुकी का भी नाम रख देता हूँ कि भाई ये तो सुना ही होगा किसी भी हालत में बहुत। तो फिर है ना ये जैसी कंपनियां हैं हमको क्या करना है, इन कंपनियों के ऊपर ट्रेड करना है। हम इसके अंदर हम लोग करेंगे, हम लोग है ना इसके अंदर है ना ऑप्शन ट्रेड करेंगे, लेकिन हमको इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करने वाले,
कि आज हम लोगों को सबसे पहले ये जो क्या है, अब मिड कैप लार्ज कैप किस कंपनी में हम लोग ट्रेड करें, तो है ना ये पहले हम लोग लिख लेते हैं लार्ज कैप, ओके, और फिर उसके बाद आती है मिड कैप, और फिर उसके बाद होती है स्मॉल कैप। ये हो गया कैप, कैप यानी कि कैपिटल। अगर मान लो कि जिस कंपनी का, ओके, क्या है कि ना, अब ये लार्ज कैप को कैसे पहचाने, मिड कैप को कैसे पहचाने, स्मॉल कैप कंपनी को कैसे पहचाने, तो मैं बहुत सिंपल्स में अगर कह दूं, लार्ज कैप कंपनी देखा जाए इन सिंपल, अगर आप अपने दिमाग में अगर है ना रखने के लिए कि मान लो कि जो भी कंपनी अगर है ना 50,000 करोड़ के ऊपर है, इस पर सब लोगों का अलग अलग थॉट है, बट मेरा ऐसा कहना है कि मान लो कि अगर आपकी है ना कोई भी कंपनी का अगर है ना 50,000, अगर 50,000 करोड़ की अगर ऊपर की कोई भी कंपनी है, तो वो हो गई लार्ज कैप, ओके। और मान लो कि है ना मैंने वही सेम चीज की कोई कंपनी है, ओके, जो 50,000 से नीचे, लेकिन कितनी, मान लो कि इसको हम लोग 20,000 पकड़ लेते हैं, हम लोग को ये 20K-50,000 इसके अंदर अगर है ना, मतलब है ना इसके अंदर, ओके, ये 1,000 करोड़ में, ओके गाइस, तो अगर है ना इसके अगर अंदर में अगर कोई है, तो वो हो गई मिड कैप हो गई, अब हो गई स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी यानी कि अगर है ना 20,000 करोड़ से बिलो या फिर उससे कम, इन हिंदी में अगर कहो तो अगर इससे नीचे अगर हमारे पास अगर 20,000 करोड़ के से अगर नीचे अगर कोई कंपनी है, तो फिर वो कंपनी हमारे लिए हो जाती है स्मॉल कैप कंपनी, ओके। यहाँ पे आपको सारा पॉइंट एकदम एग्जैक्टली समझ में आया, जैसे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं, तो है ना आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अभी इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज कैप होती है, ओके, लार्ज कैप में क्या होता है कि सबसे कम रिस्क होता है, तो जो ब्लू चिप फंड बोलते हैं वो लार्ज कैप में होता है, लार्ज कैप में काफी रिस्क कम होता है, रिस्क कम यानी कि इसके अंदर अचानक में कोई भी मार्केट में मूवमेंट होती है, तो इतना जल्दी अप एंड डाउन, मतलब फटाफट है ना 10% 20% नहीं गिरेगा, 1-2%, 3%, बहुत रेयर केस में ऐसा कुछ हुआ तो 4-5% के आसपास जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता, वो भी बहुत रेयर केसेस में। बाकी ऐसे छोटे मोटे ना इवेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ अच्छी चीज आ गई, तो नहीं, ना हाइएस्ट बढ़ेगा ना हाइएस्ट कम होगा। फिर दूसरा हो गया मिड कैप। मिड कैप के अंदर क्या है, थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर ज्यादा होता है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर लार्ज कैप। लार्ज कैपेयर में एकदम मतलब समझ लो कि ना बहुत कम रिस्क है, और मिड कैप में थोड़ा ज्यादा रिस्क है। अभी स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होती है, और भी देखा जाए तो ना एक और भी है कि अगर हम लोग एक ना नैनो कैप ले लो या फिर है ना माइक्रो कैप, आपको कहीं कहीं भी ये वर्ड बहुत सुनने में आएगा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ओके, नैनो कैप माइक्रो कैप जो कंपनी 1,000 करोड़ के नीचे अगर की कोई कंपनी है, वो ऐसी कंपनियां जो थी वो नैनो कैप माइक्रो कैप जिसके अंदर हाईएस्ट रिस्क, इसके अंदर जो रिस्क वाला पॉइंट है वो बहुत, मतलब आपका इसके अंदर जो पैसा बनने का चांसेस है मैक्सिमम, इसके अंदर तो ना भाई बहुत है ना पैसा बहुत ज्यादा भी बन जाएगा, ओके, बहुत है ना मोर एंड मोर एंड मोर हो जाएगा, एंड इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बहुत भाई स्पीड में मतलब है ना बहुत नीचे भी आ जाते हैं, तो स्मॉल कैप एंड नैनो कैप में ये ऐसी इश्यूज है भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भाई जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा पैसा बनेगा, ये मार्केट के अंदर सिंपल है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को इसके अंदर जो काम करना है, तो हम लोग किसमें करेंगे, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग ज्यादा करेंगे हम लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल लर्नर है, लर्नर हरदम कम रिस्क में, मतलब ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, इसके लार्ज कैप हमें ऐसी कंपनियां देखनी है जो 50,000 करोड़ के ऊपर है। तो निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां आती वो सारी सारी लार्ज कैप कंपनियां आती, तो आप निफ्टी 50 के अंदर ना टॉप 10 की कंपनियां उठा लोगे, तो मैंने आपके सामने ये भी जो रखी है वो टॉप 10 की ही कंपनियों के नाम आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं फिलहाल गाइस काम करने के लिए, तो अभी हमें क्या काम करना है, चलो तो अभी हमारा ये टॉपिक क्लियर करते हैं हम लोग, अब नए टॉपिक पे हम लोग काम करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ हमारा पैसा ज्यादा बनेगा, कहाँ हमारा पैसा कम बनेगा, ये बहुत ही हम लोगों को जानना है। तो अभी हम अपने अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गाइस आपके सामने हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रख दिया है कि किस प्राइस पर हम बाय या सेल करें, कोई भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोगों को किसी भी प्राइस के ऊपर क्या खरीदना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले हमने कह दिया कि हम लोग जो भी है निफ्टी 50 के, हम लोग है ना टॉप 50 कंपनियों के ऊपर हम लोग है ना जो भी शेयर है इसके अंदर भी हम लोग टॉप 10, ओके, टॉप 10 शेयर्स के अंदर ही हम लोग प्ले करेंगे, जिसके अंदर हमारा बहुत लो मूवमेंट होगा, इतना ज्यादा मूवमेंट भी लो होगा तो हमारे रिस्क भी है ना एकदम कम हो जाएगी, और अगर देखा जाए तो भाई इसके अंदर पैसा
ओके ओके, जितने हमें रिक्वायरमेंट है लर्निंग पर्पस के लिए हमें, उतने हमारे पैसे भी अच्छे खासे बन जाएंगे। ओके तो उतना हमें रिटर्न्स भी मिल जाएगा। तो हम लोगों को ना इसके ऊपर अभी जो हम काम कर रहे हैं, ओके तो अभी हम लोग इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग को किस प्राइस पर बाय करना है, किस प्राइस पर सेल करना है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पर, मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ओके तो यस, अभी जैसे कि अगर मैं मान लो कि अभी मुझे किस प्राइस पे बाय करना है, तो हम लोग ना 2 मिनट के लिए हम लोग किसी चार्ट पर आ जाते हैं। ओके और ये चार्ट हम लोग ने अभी रख दिया। जैसे अभी मैंने ये जो चार्ट है आपको दिख रहा होगा कि ये रिलायंस का चार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ये देखो ये ऑलरेडी ना रिलायंस का चार्ट है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो अभी जो प्राइस चल रहा है, ओके ये करंट प्राइस है 3,008 रुपया, लाइव प्राइस चल रहा है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्राइस है ना चेंज होते हुए दिखता रहेगा। ओके दिख रहा है, तो ये अभी फिलहाल करंट प्राइस है। और ये हर एक महीने का, एक एक महीने का मतलब है ना, ये आपके सामने जो कैंडल्स है, जो रेड कैंडल मैंने कल आपको बताई है, तो इसके अंदर ये कैंडल्स में रेड कैंडल यानी कि प्राइस नीचे आ रही है और ग्रीन कैंडल यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है। तो फिर अभी 3,009 रुपया फिलहाल प्राइस चल रहा है, तो अभी इसके अंदर हमको किस प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए। तो जैसे मान लो कि 3,000 रुपया, इसको हम लोग राउंड फिगर ले लेते हैं कि अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो 3,000 रुपया चल रहा है। ओके तो हमने ये रिलायंस का हमने देख लिया, 3,000 रुपये का ऊपर का प्राइस चल रहा है। हमको कभी भी, हमको अगर ट्रेड करना है, ओके अगर आप है ना ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड करना है, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, हमने ये पहले ही क्लियर कर लिया। ओके तो आप लोग स्टॉक्स पर आएंगे, तो हम लोग ने वही रिलायंस कंपनी पकड़ के 3,000। अब मेरा क्या कहना है कि यहाँ से मैक्सिमम कोई भी कंपनी कितना, एक महीने में अचानक में ना भाई 20% तक भाग सकती है। तो आप लोग है ना काम करो कि यहाँ पे 3,000 का 20%, अब 3,000 का 20% कितना होता है, तो अगर मैं अगर 3,000 का 20% अगर रखता हूँ, ओके तो अगर हम लोग 3,000 का 20% अगर मैं लेके चलूँ, यानी कि 3,600, ओके मतलब राइट 600, 600 ही ज्यादा होगा, तो 3,600 यानी कि ये इधर मैंने ये लाइन रख दी आपके सामने, तो वो 3,600 वाली लाइन किधर है, वो लाइन इधर है। तो ये देखो ये हमने एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि 3,600 की लाइन है, तो हम लोग इसके ऊपर अपना काम करेंगे। सेकंड, अब हमारे पास है ना कौन सा है कि 3,600, और वही हम लोगों को 20% नीचे लेना है। 20% नीचे यानी कि आप यहाँ से वापस 300 300, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरे से, एक फटाफट कैलकुलेशन। ओके तो ओ माय गॉड, ठीक है तो अभी हमने ले लिया। ओके कोई मिस्टेक नहीं है, ओके सब परफेक्ट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ, ऐसा लगा कि हम लोगों को रॉन्ग हो गए। एंड वही हम लोग को क्या करना है, 600 पॉइंट हमें नीचे लेना। ओके अब मैं 600 पॉइंट अगर मैं नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो होगा वो 2,400 का पॉइंट होगा, 2,400 का पॉइंट है, और ये हमने लाइन कर दी ड्रॉ। अगर मेरे पास ये जो लाइन कर दी है वो मैंने ड्रॉ कर दी, यानी कि देखो देखा जाएगा। तो अगर देखो अगर ये अगर आप ना ऐसा कैंडल गिनो, ओके आपको कैंडल काउंट करनी आती, देखो ये एक कैंडल हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार, ये पांच, ये छ, ये सात, ये आठ, ओके ये नौ, नौ कैंडल यानी कि 9 महीने की कैंडल्स है। लेकिन 9 महीने में देखा जाए तो प्राइस अभी तक 3,600 को क्रॉस नहीं किया और 2,400 के अभी तक नीचे नहीं आया। तो हम लोग कभी भी अगर आपको अगर ना ऑप्शन ट्रेड करोगे, तो इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करना, आपको 2,400 पे या 3,600 पे, तो फिर है ना वैसे ही 20% ऊपर या 20% नीचे लेकर ट्रेड करना। ये तो हमारा क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्या हमारा क्वेश्चन था, हाँ कि हमको किस प्राइस पर बाय एंड सेल करना है। तो हम लोग ने 20% ऊपर या 20% नीचे, अब 20% ऊपर क्यों, 20% नीचे क्यों, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर मूवमेंट में जा रही है। देखो ये जैसे कैसे है, फिलहाल धीरे 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 स्लो मूवमेंट मार्केट ऊपर मूवमेंट में कर गई। ओके यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट अच्छा दिखाया, तो यहाँ से ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ से अगर है ना मार्केट अगर नीचे अगर आ जा रही है, तो हमको लग रहा है, तो हम लोग 2,400 पर हम लोग ट्रेड करेंगे और 3,600। अब ये अगर मैं ऊपर जा रही है, तो मैंने कल क्या बताया था, ये कॉल हो जाएगी, और अगर मान लो कि नीचे जाएगी तो यहाँ यानी कि पुट हो जाएगा। ओके तो अभी हम लोग है ना ये जो भी ड्रॉइंग्स बनाई है, ये ड्राइंग के ऊपर अभी हम लोग फटाफट अभी काम करने वाले कि क्या अभी हमने ड्रॉ किया था आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो गाइस, अब मैं ये हमने ले लिया सेंसिबल। ओके अब ये सेंसिबल्स में अभी क्या करना है, हमने
देखो सेंसिबल, अगर जिसके पास भी जीरोधा है वो फ्री में एप्लीकेशन चला सकता है, जिसके पास अगर अदर एप्लीकेशन है तो उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को है ना क्या करना, करें ना जीरोधा में अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर लेना, वही बेस्ट होगा। तो आपको ये फ्री में स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी। और अभी हम लोग यहाँ पर कोई फिलहाल स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे, जस्ट आपके लिए हमने यहाँ पर रिलायंस सर्च किया, ये रिलायंस आ गया। ओके अब मुझे क्या करना है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, ओके गाइस तो ध्यान देना। ये देखो मैंने कल जो आपको बताया था ना, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है ये मैंने कल आपको अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। यह हो गई हमारी फुल टू कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये देखो, ये ऑलरेडी ये लिखा है हमारी, ये हो गई कॉल साइड। ओके ये हमारी हो गई कॉल साइड हो गई, और ये हमारी हो गई पुट साइड। ओके ये हमारे पुट के प्राइस हो गए, ये हमारे कॉल के प्राइस हो गए। कॉल यानी कि मुझे क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ओके तो मैं यहाँ से जितना नीचे नीचे खरीदूंगा उतना ठीक है, और मुझे अगर लग रहा है पुट में तो मार्केट जितना नीचे जाएगी। भले ड्रॉइंग पे मत जाना, मेरा ये कहना है कि अगर पुट चाह रहा है तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आप लोगों के सामने ओके मैंने अभी क्या बताया था कि हम लोगों को 2000 कितना, मैंने 3600 20% ऊपर। ओके तो मान लो कि मैं अभी 3600, तो मैं क्या करूंगा इस कैंडल को यहाँ पर देखूंगा, और ये 3300, 3360, 3300, 300, 300, ओ माय गॉड 3600, ये देखो ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पे ऑप्शन है कॉल में, मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो ठीक है तो फिर आप है ना बाय कर लेना। ओके और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप यहाँ पर सेल ऑप्शन कर सकते हो। ओके यहाँ पे अपोजिट है, मतलब क्या होगा कि हमको पहले सेल करेंगे बाद में हम लोग उसको बाय करेंगे। तो मान लो कि अगर है ना मैंने अगर 1 रुपया 70 पैसा भी इसका प्राइस चल रहा है, ओके 1 रुपया 70 पैसे पे अगर मैं इस चीज को अगर खरीदता हूँ तो मुझे कितना अमाउंट लगेगी, कितनी लगेगी उसके लिए हम लोग है ना देखा जाए तो उसके ऊपर हम लोग को एग्जैक्टली अच्छे से काम करना। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे 45,000 रुपीज की अमाउंट की जरूरत होगी। ओके तो अगर है ना, और सेकेंड थिंग अगर मैं इसे बाय करता हूँ तो बाय करेंगे तो मुझे कितने रुपए का चाहिए, फिर मुझे 19,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी। ओके तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, और यही चीज अभी हम लोग को क्या करना है, 3000 से हमने क्या कहा था नीचे 2400 तक अगर हम लोग जाते हैं। ओके यहाँ पे अभी 2400 तक तो नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पर भी 2600 का ले लो। 2600 में भी यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो प्राइस चल रही है पुट में 80 पैसा प्राइस चल रही है, आप 80 पैसे पे अगर है ना आपको लगता है भाई मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाय कर लो। ओके और अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मार्केट फिलहाल नीचे ही है तो आप है ना इस तरह से, सॉरी अगर आपको ना मान लो मार्केट नीचे जा रही है तो फिर आप ना पुट में, अगर आप पुट खरीद रहे हो, पुट खरीद रहे हो यानी कि और मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मार्केट ऊपर जाएगी तो आप है ना पुट को सेल कर दो कि भाई इससे ज्यादा मार्केट नहीं जाएगी करके। तो ये हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है जो आप लोगों को बहुत, अगर मैं इतना बड़ा कर कॉन्ट्रैक्ट नोट आप लोगों के सामने नहीं भी रखूँ तो हमारे पास है ना जो ऑप्शन है, तो हम लोग ये आ गए हमारे पास ये मेन लाइन हो गई। ओके ये हमारे पास जो अभी फिलहाल चल रही है 3000, ये 3000 का हमारा ये क्या है, ये शेयर की प्राइसेस। ओके मतलब है ना अभी फिलहाल हम लोग ने जो रिलायंस कंपनी के अंदर ये प्राइसेस है, तो आप इसके अंदर कोई भी चीज आराम से खरीद सकते हो। मान लो कि मैंने 3100 की जगह पे मैंने 3120 का 30 रुपये में बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन ये हमें 3100 नहीं लेना, हमको हर बार 20 या 15 या 20% ही आप ऊपर या नीचे भी बाय कर सकते हो, या फिर 20% अगर करो तो वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को इस तरह से, हम लोग को फिलहाल कोई भी ट्रेड में अगर हमको प्राइस लेना तो हम कॉन्ट्रैक्ट नोट में आकर हम लोग इस तरह से प्राइस ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट को अलग से हम लोग एक अलग चैप्टर में उसको सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होती है, कॉल पुट में क्या ऑप्शन है, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट क्लोज इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम लोग बाद में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ जाते हैं फटाक से हमारे मेन चैप्टर पे कि अभी हमको फिलहाल करना क्या है, तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कुछ चीजें, हमारा भी अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अपना तैयारी कर लेते हैं कि हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ये मेरा खत्म। ओके और ये मेरा निफ्टी 50 के अंदर टॉप 10 जो मैंने आपको कहा लो रिस्क के अंदर हम लोग शेयर्स को खरीदेंगे। ओके तो हमारे ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। नाउ भी हमारा क्वेश्चन कि हमको हरदम बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ओके तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है।
देखो आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेड अगर किसी भी अगर स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या फिर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो फिर है ना मेनली क्या बात होती है कि आप मान लो कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो। ओके आप है ना समझना कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो लेकिन आप कैसे खरीदोगे, या फिर आप खुश होते हो कि मैं 5,000 में कोई चीज़ खरीद लूँ, या फिर मैं वो चीज़ समझ लो कि कितना 1.5 लाख, ओके, या मैं 1.5 लाख रुपए में, आपके लिए कौन सा अच्छा है बताओ, फटाफट कमेंट करो कौन सा अच्छा है भाई, 5,000 खरीदना है या 15,000। ओके जो लोग 5,000 खरीदने में इंटरेस्टेड है वो लोग नीचे कमेंट में 5,000 लिख दो, और जो लोग अगर 15,000 में इंटरेस्टेड है वो 15, सॉरी जो लोग 1.5 लाख में इंटरेस्ट है वो 1.5 लाख रुपया खरीदने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें एक ही चीज खरीदनी है। ओके हमको फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने हाथ में वॉच पहनी है, 5,000 की भी है 15,000 की भी, ओके तो बिना क्या चीजें अच्छी रहेगी खरीदने के लिए, आपके लिए कौन सा सस्ता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे 5,000 की खरीदेंगे बहुत सस्ता है, बहुत 1.5 लाख की खरीदेंगे तो यानी कि सेम क्वालिटी, क्वालिटी ऑलरेडी सब तो सेम है, एक खाली ये है। तो अभी ना मान लो कि अगर मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूँ, ओके फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई चीज अगर खरीद रहा हूँ तो वो मुझे बाय अगर मैं करता हूँ, उसी तरह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपके सामने शेयर किया था। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हमें क्या कहता है कि अगर मान लो कि अगर मैंने अगर है ना कोई भी अगर ये चीज अगर मैं कर रहा हूँ, ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या कहता है कि आपको कोई भी चीज बाय करनी है या सेल करनी है तो आपके पास अलग अलग प्राइस है। लेकिन अगर मैं चीज अगर बाय कर रूं, ओके अगर मैं कोई भी चीज मैं अगर है ना बाय करूं तो मुझे यहाँ पर पैसे कितने देने पड़ेंगे, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, ओके ठीक है। लेकिन अगर वही चीज अगर मान लो मैं उसे सेल कर रहा हूँ, ओके तो अगर सेल कर रहा हूँ तो मेरे को 1.5 लाख रुपये देना पड़ता है। ये चीजें हैं यहाँ पे ना ध्यान रखना इसके अंदर पॉइंट को, कि ना अगर आप ना क्या होता है कि कभी कभार हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग आप कॉल में भी खरीदोगे तभी 5,000 में आ जाएगा, पुट में खरीदोगे तभी 5,000 में आ जाएगा, लेकिन अगर आप ना कॉल में अगर सेल कर रहे हो, अगर आप लोग है ना कॉल में अगर कोई भी चीज अगर ना सेल करते हो, ओके तो भी 1.5 लाख रुपया लगेगा और पुट में भी 1.5 लाख रुपया लगेगा। अब क्या होता है दिस इज एक तरफ से ना आप ना समझ लो कि लॉटरी का टिकट ले रहे हो, अब लॉटरी की टिकट अगर 5,000 की अगर लॉटरी लोगे इसमें कम प्रॉफिट है लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा है। अब इसमें कैसे प्रॉफिट ज्यादा है कि आपका आपका 5,000 का कितनी वैल्यू बन सकती है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी आपका ना 1 लाख रुपया बन सकता है, ओके आपका 1 लाख बन भी सकता है, ओके और आपका 5,000 लॉस भी हो सकता है। अब इसके अंदर अभी आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, आपको ये दो ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिए कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट करना है या 5 लाख का लॉस करना है, ये दोनों कंडीशन है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ये कंडीशन अगर यहाँ पर बनाता, ओके कि सेल के अंदर अगर मान लो कि मैं अपनी कोई कंडीशन बना रहा हूँ, कोई भी चीज अगर मैं सेल कर रहा हूँ, ओके कॉल में सेल कर रहा हूँ या पुट में, तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट जो भी होगा यहाँ पर मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट भी चाहिए तो 1.5 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा, ओके और चाहिए तो मेरा मैंने 1.5 लाख रुपया लगाया था मेरे को नया 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, और ये 1.5 लाख अगर मान लो कि मैंने कुछ गलती भी हुई तो मेरा 1.5 लाख रुपया ही लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ना आपके 5,000 लगाए थे 5,000 पूरे जा सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपये लगाए तो पूरे 1.5 लाख जा सकते हैं लेकिन 1.5 लाख आ भी सकते हैं। 5,000 के अंदर है ना रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा आपके 0 होने के चांसेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो बहुत स्पीड से मूवमेंट होगी, इसके अंदर जो भी मूवमेंट होगी वो बहुत इतनी स्पीड से मूवमेंट होगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब आपके पैसे उड़ गए। ओके इसके अंदर आपको बहुत माइंड हाईली बहुत प्रेशराइज आपको माइंड लगाना पड़ता है, यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ पर है ना बहुत कम दिमाग लगा के भी आप यहाँ पर सेफ, मतलब है ना आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर आप है ना स्टॉक्स में कम से कम 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर आप किसी भी शेयर्स को मतलब है ना आप खरीद सकते हो, मतलब है ना जब उसको खरीदना है बेचना है आपके पास टाइम पीरियड होता है। ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऑलरेडी है ना टाइम होता है, हर मंथ का एंड डेट होता है, उस डेट पर हम लोगों किसी भी शेयर्स को हम लोग सेल कर सकते हैं। तो बाय में मैं 5,000 लगाऊंगा, मान लो कि मेरा फट से 10% गया, 500 गया भाई, फिर 10% लगाया भाई, फिर से ना 450 गया, फटाफट है ना कब ना मतलब है ना पैसे 0 हो जाएंगे गारंटी नहीं है, लेकिन सेल वाले ऑप्शन में हरदम प्रॉफिट है कि 1.5 लाख रुपए लगाने में ज्यादा बेनिफिट है कोई भी चीज अगर आप सेल कर रहे हो तो ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब
एक और चीज है जो मैं आपको एक और पॉइंट पे ध्यान देना कि बाय में अगर मैं कोई भी चीज ओके मैं अगर कोई भी चीज के अगर बाय तो उसके अंदर एक प्रीमियम प्राइस होता है। प्रीमियम प्राइस एक सर्टेन टाइम के बाद ओके इसके अंदर एक सर्टेन टाइम के बाद प्राइस लो होने लगती है। एक सर्टेन टाइम के बाद जो प्राइस होती है वो प्रीमियम होता है वो लो होता है ठीक है, डी के आता है ओके। डी के अगर आता है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता है वैसे वैसे प्राइस कम होने लगती है। और अगर प्राइस अगर कम हो रही है मतलब आप अगर सोचोगे यार मेरा तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था लेकिन प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर भी है ना पैसे मतलब मान लो आपका ध्यान नहीं है मार्केट्स पे और आपका ना तो भी यहाँ पर आपका कभी भी 5,000 जीरो हो सकता है भाई, जीरो एकदम आप सोच भी नहीं पाओगे कि कभी ना मेरे प्राइस है ना जीरो हो गया ओके। तो फिर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे प्राइस जीरो हो सकता है। और यही चीज आपके पास अगर है मान लो कि अगर आपने कोई प्रीमियम ओके अभी ना हम लोग ने सेल किया ओके अभी हमने सेल किया और उसका जो प्राइस है वो मान लो कि हम लोग ने 100 रुपये में कोई भी चीज हमने खरीद ली ओके। अब कंडीशन दोनों में प्राइस डीके होगा प्राइस नीचे ही आएंगी। यहाँ पर भी अगर प्राइस अगर नीचे आता है मान लो कि अगर यहाँ पर है ना प्राइस 90 90 से नीचे आकर मान लो कि सॉरी 100 से आकर नीचे 80 हो गया ओके तो आपका तो प्रॉफिट है क्योंकि आप तो अभी 80 में बाय करोगे और 80 में और बाय बाय करके अगर 100 में सेल हो रहा है यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट है। यानी कि हर बार सेल में ज्यादा प्रॉफिट होता है यानी कि ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो मैं कहूंगा कि भाई कम से कम एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए लेकर मार्केट में उतरो तो ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। अभी मैंने आपको फंड बता दिया कि आपको कितना फंड चाहिए ट्रेड करने के लिए और ये भी मैंने आपको बता दी कि आपको पहले क्या करना चाहिए, कौन सा ज्यादा अच्छा है कि पहले सेल करें कि पहले बाय करें। हरदम सेल और सेल में प्राइस ज्यादा लगेगी क्योंकि प्रीमियम अमाउंट हरदम टाइम जैसे जैसे कम होगा मान लो कि आज मैंने अभी मान लो कि 1 अगस्त है आज ओके हालांकि 31 अगस्त 31 जुलाई है लेकिन ना समझ लो गया 1 अगस्त है 29 अगस्त को एक्सपायर होगा। तो जैसे जैसे ना मान लो कोई भी चीज होगी कितने भी वो कोई भी प्रीमियम होगा 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया प्रीमियम होगा धीरे 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 प्रीमियम कम होते जाएगा। तो हमारा सेल क्या कहता है हम महंगे में खरीदेंगे और महंगे में सेल करेंगे सस्ते में बेचेंगे यानी कि प्रॉफिट होगा। और बाय क्या कहता है कि हम सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में लेकिन ऑटोमेटिकली प्राइस ही जब नीचे आ रही है जब प्राइस ही कम हो रही है तो इससे अच्छा भाई सेल ही ऑप्शन ले लो, रिस्क भी कम है और यहाँ पर मैक्सिमम 100 मतलब आप ना देखा जाए तो आपका देखो डबल पैसा बन सकता है, बन सकता है डबल पैसा लेकिन मैं डबल की बात नहीं करूंगा, महीने का 2-3% बना इनफ है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जिट कर लो। लेकिन अगर बाय वाली कंडीशन में पैसा 20 से 25 गुना बन सकता है लेकिन जितना बन सकता है उतना पैसा जीरो भी हो सकता है। इसके अंदर पैसे जीरो होने के चांसेस बहुत कम है सेल में और बाय में चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप अभी फिलहाल क्या करने वाले हो। ओके गाइस चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम लोग आ गए वापस यहाँ पर, जैसे आप देखोगे मैंने ये क्वेश्चन भी हाउ मच रिक्वायर्ड फंड फॉर ट्रेडिंग ये हमने क्वेश्चन को भी इसके साथ में हमने कंप्लीट कर लिया ले लिया कि अभी हमको क्या चीजें चाहिए क्या चीजें नहीं देनी है ओके। तो हम लोग को कितना फंड की रिक्वायरमेंट है ये भी हमारे पास डिक्लेयर हो गया और आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए कितने पैसे लगेंगे ये भी आपके पास क्लियर हो चुका है। अब जो लोग जानबूझ के अगर है ना मान लो लॉटरी की टिकट लेना चाहते हो और इस परमाणु बम से खेलना चाहते हो तो वो 5,000 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते लेकिन पैसे कितने बनेंगे या कितने जाएंगे ये तो आप ही जान सकते हो। तो ये मेरी राय थी, जो सेल हो करोगे तो भले 1.5 लाख रुपया लगेगा लेकिन ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अभी हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस यानी कि क्या ओके। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अभी हमारे पास कोई भी चीज़ हमने 100 रुपये की खरीद ली, जिस तरह से मैंने आपको कल भी समझाया था 100 की कोई चीज़ खरीदी है और वो लग रही है कि भाई 100 से जाएगी ओके। मैंने यहाँ पे दो ड्रॉ कर लेता हूँ, 100 से अगर आपको लगती है कि हाँ वो चीज़ मेरी 110 में जाएगी ओके तो यानी कि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर गारंटी है। लेकिन आप मान लो कि मार्केट जो है वो 100 से नीचे जा रहा है ओके, तो 100 से नीचे जा रहा है तो अभी ना 100 से नीचे कितना चले जाएगा भाई ओके, तो 100 से कितना भी नीचे जा सकता है मान लो 90 भी जा सकता है ओके 80 भी जा सकता है और 70 भी जा सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। और इसके अंदर ऊपर में भी 110 120 130 कितना भी जा सकता है, ऊपर जाएगा कोई बात नहीं हमें प्रॉफिट है कि चलो भाई हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन मान लो कि अगर हमारा प्राइस अगर मान लो नीचे जा रहा है ओके, तो अगर है ना प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो अब हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर बाय ये बाय की कंडीशन में ओके।
अगर आप कोई भी चीज जब आप बाय कर रहे हो, अगर आप जब है ना कोई भी कंडीशन, अगर आप ना बाय वाली कंडीशन में अगर कोई चीज अगर खरीद रहे हो, कॉल खरीद रहे हो या पुट खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए होता है। तो आपका ना पैसा कहीं जीरो ना हो जाए जल्दी से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस यानी कि मान लो मैंने जब ट्रेड करते टाइम मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई मुझे स्टॉप लॉस कितना लगाना है, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 95, कि भाई मुझे 5% का अगर है ना लॉस हुआ तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जैसे ही 100 से 95 प्राइस आया, ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। सेम उसी तरह से सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं आपको, जैसे ये मैंने आपको बाय बताया, वही अगर मान लो कि अगर मैं कोई चीज़ अगर सेल कर रहा हूँ, अब सेल वाली कंडीशन में क्या होता है कि ये हमने वापस 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, हमने 1 लाइन ड्रॉ कर दी इधर और 1 लाइन ड्रॉ कर दी इधर। अब हमने यहाँ पर भी अगर मान लो कि कोई भी चीज़ है, ओके, हमने पहले क्या किया, हमने 100 रुपीज़ में सेल कर दी। हमने क्या किया कि 100 रुपीज़ में हमने यहाँ पर भी सेल कर दी। ओके, तो हमने पहले सेल किया। अब हमारा कहना क्या है कि अगर मुझे बाय करना है, तो यानी कि मुझे जितना कम प्राइस में अगर मैं खरीदूँ, अगर मान लो कि यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कि मुझे अगर 90 जा रहा है तो मेरा प्रॉफिट है, 80 जा रहा है तो प्रॉफिट है, 70 जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस जा रहा है वैसे मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर जैसे 110 जा रहा है तो मेरा लॉस है, अगर मेरा 120 गया तो लॉस है, 130 गया तो लॉस है, तो कितना भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग यहाँ पर लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 105 रुपया। ओके, कि अगर मेरा 105 रुपया अगर जैसे प्राइस अगर बढ़ जाती है, 100 की जगह पे 105 हो जाता है, तो मेरे लिए ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये हो गया स्टॉप लॉस की कहीं पे प्राइस ज्यादा ना हो जाए। तो आप ना बाय वाली कंडीशन में अलग है, बाय वाली में हरदम हम लोग को ना लो प्राइस लगाना, हमने जो भी चीज खरीदी है उससे कम प्राइस में हम लोग को ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी स्टॉप लॉस में। और सेल में अगर 100 की चीज है तो अगर ऊपर प्राइस जा रही है तो हम लोगों को वहां पर सेल करना है, तो वो हो गया स्टॉप लॉस। यानी कि दोनों जगह पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये ऑटोमेटिकली हम बहुत बार, हम क्या होता है कि मोस्टली स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो हम लोग सोचते हैं अरे वापस रिकवर हो जाएगा, प्राइस रिकवर हो जाएगा, प्राइस रिकवर हो जाएगा। तो रिकवर के चक्कर में बहुत बार प्राइसेस देखा जाए तो भाई 60-40% तक है ना लॉस हो जाता है, 60-40%। बहुत फिर लास्ट में सोचते हैं यार आदमी क्या बचा, चल छोड़ जो जा रहा है जाने दो करके। तो फिर कभी कभी तो 100% मतलब मेरा पैसा वाइपआउट हो जाता है। बहुत लोगों का ना यही होता है कि उनका माइंड अटेंशन ही काम नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और अचानक में प्राइस डायरेक्टली भाई जीरो हो जाती है, और फिर लास्ट में बहुत बड़ा दुख होता है कि यार अपना बहुत जीरो हो गया करके। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर ना आए, इसके लिए आप लोगों को है ना इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप स्टॉप लॉस लगा देना। जो लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो मेरे नजर में सबसे बेस्ट ट्रेडर है। ओके, तो आप है ना स्टॉप लॉस को भूलिए नहीं। और अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हमको, हाँ, कि हमको कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर है ना मैं आपको कहूँ कि अगर आप है ना स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, तो स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम है ना मेरे ख्याल से ना आप है ना 3% लगा लो। ओके, 3% लॉस भी चलेगा। ओके, स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, 3% का हम लोग लॉस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमको भाई 3% अगर हमको अगर प्रॉफिट भी हो गया, ओके, 3% प्रॉफिट भी हो गया तो चलेगा। यानी कि दोनों कंडीशन में 3% प्रॉफिट या 3% लॉस। अगर मान लो 100 की चीज, अगर 100 का अगर 3 रुपया करो तो 103 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो मैं एग्जिट कर लूंगा। लेकिन अगर अगर 100 अगर ना 100 से अगर नीचे आ गया, 97 आ गया, उससे नीचे आ गया, तो मैं इसे सेल कर दूंगा। ओके, तो इसके लिए हरदम स्टॉप लॉस ज्यादा करके ना 3% लगा के रखो, स्टॉक्स में लगाओ, इंडेक्स में स्ट्रेटेजी मत लगाना। इंडेक्स के अंदर एक दिन में 8-8, 10-10% गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, 90%, 80% कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो आप लगा रहे हो स्टॉप लॉस लगाओ, बहुत अच्छी बात है। इंडेक्स में भी लगाना चाहिए, स्टॉक्स में भी लगाना चाहिए, लेकिन स्टॉक्स में, इंडेक्स में 3-3% वाला का गेम खेलोगे तो ऐसे हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऐसे ही हिट हो जाएंगे, प्रॉफिट भी ऐसे ही मतलब है ना निकल जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर, तो आपका बहुत फटाफट स्टॉप लॉस है ना हिट हो जाएगा। तो इंडेक्स में नहीं करना, स्टॉक्स में करना, स्टॉक्स में ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा कम प्रेशर होगा। ओके, तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग दिले, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अगर कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, अगर आप है ना 1:1 रेशियो बहुत बार सुना होगा, 1:1 यानी कि 1 रुपया कमाऊंगा 1 रुपया जाएगा, बहुत सारे लोग 1:2 में 1 रुपया डुबाऊंगा तो 2 रुपया कमाऊंगा। ओके, तो ऐसे भी स्ट्रैटेजी होते, तो 3-3% वाला, 1:1 वाला हम लोग रख सकते।
कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 3 से 5 कर लो, बस काफी है, इससे ज्यादा नहीं लेने की जरूरत है। ओके, अभी अगला हमारा क्वेश्चन है। ओके, हम लोगों को स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बता दिया कि ना हम लोगों को कितना लगाना है, क्या है, यानी कि हमने सारे क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से कवर कर लिए, तो मैं आपके सामने एक बार यह सारा डिजाइन हटा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या क्वेश्चन हमने कवर किए। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि हमने सारे क्वेश्चन स्टॉप लॉस क्या है वो भी कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें भी हम लोग स्टॉप ट्रेडिंग करेंगे, इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस हमें हाउ मच कितना स्टॉप लॉस लगाना है 3%, एंड हाउ टू यूज कैसे हम लोग को अभी यूज करना है वो भी हमने आपको बता दिया, किस प्राइस पर बाय करें किस प्राइस पर सेल करें वो भी हमने क्लियर कर दी, एंड सेल करें या बाय करें दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली सेल वाला ऑप्शन हरदम बेस्ट है। हाउ मच फंड की रिक्वायरमेंट है कि अगर सेल करना है तो आपका फंड आपको 1.5 लाख लगेगा, अगर आप बाय करते हो तो आपका 5,000 में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये मिनिमम ट्रेड वैल्यू, ओके, ये मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से ये सारा काम होगा, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करो फटाफट की, हाँ क्या क्वेरी में कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको सारी चीजें आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे अभी समझा दी, हमने आज आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भी समझा दिया, कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या चीजें करनी है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके सामने आ गई। इसके अंदर हमने आज ना ये चार्ट्स को भी समझा कि हमको कितने परसेंट पे अप करना है, कितने परसेंट पे डाउन करना है। अब हम लोग है ना इसको जो अभी खरीदेंगे, ओके, तो हम लोग है ना रिलायंस को भी जो अभी हम नई नई अभी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, कैंडल सीखेंगे, सारी चीजें हम लोग सीखते रहेंगे, तो फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर सभी जो शुरू होगा उसके अंदर हम लोग ये चीजें देखेंगे कि हमको किस तरह से कैंडल वाइज हमें वर्क करना होगा। ओके, तो हम लोग अपना सेल ले रहे हैं इसके लिए हमारा जो माइंड थॉट है वो बहुत बेटर होगा, हम लोग को ज्यादा कैंडल पे थॉट नहीं करनी होगी, हम सीधा चार्ट पैटर्न पे अपना थॉट्स बना सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, और अभी तक चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे लिंक दी है, डीमेट अकाउंट खोल देना, अभी तक अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोली है ट्रेड करने के लिए तो ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर कुछ भी अपने पोर्टफोलियो रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो फिर आप है ना अपने पोर्टफोलियो से अगर है ना कुछ क्वेरी है तो आप है ना बिंदास वहां पर है ना मुझे पूछ सकते हो, क्या है क्या चीजें है क्या नहीं, और कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है बेहद बिंदास कोई भी क्वेरी है फटाफट कमेंट करो। हम लोग क्यूएस सेशन हम लोग चलाने वाले हैं, आज हमारा थर्ड है ना डे था, तो आज थर्ड डे में आज हम लोग ने जो भी चीजें सीखी, तो अब तक जो भी क्वेरी है क्वेरी पोस्ट करो, हम लोग क्वेरी के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बाय गाइस, अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।